Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्पाइरलिना रिएक्शन का एक बहुत बड़ा पिलर, रिएक्शन का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको रिएक्शन ने नहीं बनाया, बल्कि WHO के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस फूड सप्लीमेंट को बेहतरीन फूड सप्लीमेंट फॉर द सेंचुरी करार दिया, द बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर का खिताब दिया। और वो क्यों, चलिए जानते हैं थोड़ा सा स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि वन सेल फॉर्म है और जो एल्कलाइन फ्रेश वाटर में पलती है। इसका नाम स्पाइरुलिना इसीलिए पड़ा क्योंकि ये हेलिक्स, लैटिन में एक वर्ड है हेलिक्स, और स्पाइरल एक स्प्रिंग की शक्ल का एक सेलुलर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन इन नेचर है। तो आज से हजारों साल पहले लोग स्पाइरुलिना को स्पाइरुलिना के नाम से नहीं जानते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेनिंग वाटर पीना, उससे सेहतयाब हो जाना से ही साइंटिफिक डेटा तक का सफर एक लंबा चौड़ा सफर। जर्मन एल्गी साइंटिस्ट डॉक्टर डार्विन ने एग्जिस्टेंस ऑफ स्पाइरुलिना को हमारे सामने नाम के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पर मुतारफ करवाया। फ्रांस में 1962 में डॉक्टर क्लेमेंट ने एक कबीले में जिसका नाम था कैनेम्बू, जो कि लेक ऑफ शेड्स के करीब में अफ्रीका में आबाद था, और उस वक्त के लोगों में उन लोगों की सेहत काबिले रश्क थी। हालांकि वो बड़ी पसमादा जिंदगी गुजारते थे, तो डॉक्टर क्लेमेंट ने उस पर जाके रिसर्च की और गेनिमाओ पीपल जो इस सेहत के लिए मशहूर थे उनको देखा कि ये क्या खाते। पता ये चला कि वो उस पानी पे, उस लेक की सतह पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको फिल्टर करके वो एज ए फूड इस्तेमाल करते, और ये फूड कुछ और नहीं स्पाइरुलिना था। तो स्पाइरुलिना ने दुनिया में फिर एक फूड ऑफ द फ्यूचर की शक्ल अख्तियार की, क्योंकि उसके अंदर साइंटिस्ट इस एनर्जी को, इस कंटेंट को और इस हाई क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड फूड को शनाख्त करने में आज भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, जितनी है वही इतनी ज़्यादा है कि वो एक घंटे या डेढ़ घंटे में आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन जुज़वी तौर पे स्पाइरुलिना में 65-75% कंटेंट जो है वो प्रोटीन का है। जैसा मैंने कहा कि इसे फूड ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, इसीलिए कि इसके अंदर थोड़ी सी मकदार में ज़्यादा ताकत और ज़्यादा कुवत बख्श गजा मौजूद है। बेस्ट नेचुरल फूड का अवार्ड इसको जर्मनी के इंटरनेशनल फूड एक्सपो में दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने 5 साल टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के बाद स्पाइरुलिना को कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक करार दे दिया। यानी ये स्टडी 5 साल तक की गई कि स्पाइरुलिना किस हद तक मुजर हो सकता है। फिर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के साइंसदानों ने टेस्ट किया स्पाइरुलिना को, कि 1 किलोग्राम ऑफ स्पाइरुलिना की जो इफेक्टिवनेस न्यूट्रिशन है वो 1000 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल की 1000 केजी के बराबर
एक केजी स्पायरोलिना में मिल जाती है। अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्पायरोलिना को देखें तो 75% इसके अंदर प्रोटीन है, तकरीबन 15% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, 5 से 8% सिर्फ फैट है और 8% मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं और नेचुरल पिगमेंट्स हैं। विटामिन्स का एक खजाना B1 से लेके B12 तक और E, K, H और अनदर मिनरल कंटेंट तक और नेचुरल पिगमेंट्स जिनमें फाइटोसाइनिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन्स की एक खतीर मकदार शामिल है। एसेंशियल फैटी एसिड्स में इसके अंदर एक और ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ माँ के दूध में मिलता है, वो है GLA यानी गामा लिनोलिक एसिड, जिसकी वजह से छोटा नौजायदा बच्चा बीमारियों से बचता है। और पॉलीसेकेराइड्स कंटेंट जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में। इसकी खूबसूरती यह है कि ये आसानी से हजम हो जाता है और बगैर चिकनाई के एसेंशियल अमीनो एसिड्स को आसानी से खून के अंदर दाखिल कर देने की सलाहियत इसको दूसरे पौधों से, दूसरे फूड सप्लीमेंट से मुमताज करती है। दुनिया का बेहतरीन बीटा कैरोटीन रखने वाला कॉन्सेंट्रेटेड फूड स्पायरोलिना, जो कि तमाम हेल्थ के हाई रिस्क को कंट्रोल करता है और बॉडी के डिफेंस को एनहांस करता है, बढ़ाता है। GLA कि जैसे मैंने आपको बताया एसेंशियल फैटी एसिड है और इम्पॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, इम्पॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और इवन लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए GLA इम्पॉर्टेंट है। B12, B6 और बी कॉम्प्लेक्स पूरा, ये हमारे आसाब के लिए, उन केबल्स के लिए जिनकी बुनियाद पर हमारी जिंदगी का काम होता है, यानी ब्रेन से, ब्रेन को समझ लीजिए एक ट्रांसफॉर्मर है जहाँ से हमारे जिस्म में केबल्स जा रहे हैं, वो केबल्स जो हैं हमारी जिंदगी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये हेल्दी नर्व्स ही होंगी अगर आपको हेल्दी मेटाबॉलिक स्टेज से लेके मूवमेंट्स तक अगर आपको चाहिए तो आपको हेल्दी नर्व्स और टिश्यूज चाहिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं इस्तेमाल कर सकते कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, रिलीजियस इश्यूज की वजह से। अगर वो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो स्पायरोलिना इज दी ओनली बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दोज पीपल। मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स क्या चीज़ें हैं? ये वो छोटे छोटे अज्जा हैं जो हमारी सब्जियों में और हमारी ग़िज़ा में हमारे सेल्स की सेहत की जिम्मेदारी लेते हैं। इनमें आयरन यानी फौलाद, मैग्नीशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, ये ज़रूरी हैं कि एक तरह की ग़िज़ा को खून में शामिल करने के लिए सहूलत पैदा करते हैं। अनयूजुअल न्यूट्रिएंट्स में जो हेल्थ के लिए और सफाई के लिए हमें ज़रूरत है वो क्लोरोफिल है, और ब्लू इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन कहा जाता है क्योंकि फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू है एक कंपाउंड और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन है, जिन चीज़ों में क्लोरोफिल होती है वो ग्रीन होती है। और क्लोरोफिल बायोलॉजिकली बायोकेमिकली रिजेंबल करती है हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज यानी कैरेटिनॉइड्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑरेंज कलर देता है जो कि सन और एनर्जी और पावर को हम तक पहुंचाता है। तो क्लोरोफिल नेचुरल क्लिंजर है और साथ में नेचर का खूबसूरत ग्रीन ब्लड हम जिसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट करता है हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा अगर उसकी तफसील हम देखें तो प्रोटीन जो स्पायरोलिना में मौजूद है
वो 3 गुना ज्यादा गोश्त मछली से ताकतवर है, 6 गुना ज्यादा अंडों से बेहतर है और 2 दुगना ज्यादा वो सोयाबीन से बेहतर है। ये मैं नहीं कहती, ये साइंटिफिक स्टडीज ऑलरेडी मौजूद हैं। मिनरल्स 7 से 13% ज्यादा कंटेंट है उनके अंदर, कैल्शियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, जिंक और फास्फोरस। B12 3 से 4 गुना ज्यादा एनिमल लिवर से स्पारुलिना में मौजूद है। बीटा कैरोटीन जो 5 गुना ज्यादा है गाजर से और 40 गुना ज्यादा है पालक से। कार्बोहाइड्रेट 15 to 25%, क्लोरोफिल 1000 to 2000 मिलीग्राम मोर देन 20 टाइम्स हायर है वीट ग्रास के मुकाबले में। कैल्शियम 10 गुना ज्यादा है आम कंटेंट ऑफ मिल्क से। आयरन 65% ज्यादा है पालक से, 30 गुना ज्यादा है गोश्त और 5 गुना ज्यादा है सोयाबीन से। इसी तरह बीटा कैरोटीन, कहते हैं कि 28 बोतलें अगर आप दूध की बीटा कैरोटीन कंटेंट के लिए लें तो वो बराबर हैं 12 मिलीग्राम ऑफ स्पारुलिना के, यानी 6 ग्राम ऑफ स्पारुलिना में 12 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन होता है। जो 12 मिलीग्राम है वो 28 बोतलों दूध की में मिलेगा। और 550 पीसेस अगर हम एप्पल्स के लें तब उसमें हमें 12 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन मिलता। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो रिस्क बीटा कैरोटीन या प्रो वाइटामिन ए के ना होने से हमारे जिस्म को है, उससे क्या होता है अगर हमारे जिस्म में नहीं हो बीटा कैरोटीन तो क्या होगा, हमें सूंघने की सलाहियत मुतासर हो जाएगी, हमें स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और अगर खुदा ना खास्ता एक्जिमा है तो एनहांस हो जाएगा या एक्जिमा की कॉज में भी प्रो वाइटामिन ए डिफिशेंसी आती है। एक्ने, पिंपल्स, तो आप अंदाजा लगाएं कि एक छोटी सी चीज की कमी की वजह से आप कितनी बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं और आप फिर भी वो वाइटामिन नहीं ले रहे होते, आप उस स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होते हैं, वो आपको एक लंबी फहरिस्त दवाइयों की और लोकल एप्लीकेशंस की दे रहा होता है। इसी तरह B1, वाइटामिन B1, यानी अगर 6 ग्राम स्पारुलिना आप लेते हैं तो वो बराबर है 16 पीस सार्डिन्स के, 8 बोल्स ऑफ राइस के B1 के कंटेंट के लिए। और B1 की अगर कमी होती है तो नींद कम हो जाती है, पेन, मसल पेन हो जाता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, दिल के मसले शुरू हो जाते हैं, याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है सिर्फ B1 की कमी की वजह से। B2 की कमी की वजह से मोतियाबिंद, इंटरनल इचिंग, ड्राई स्किन, नींद की कमी, ग्रोथ रिटार्डेशन, मुंह के मसले, छाले, मुंह में दाने, ये सब B2 की कमी से हो सकते हैं। अगर आप 4 बड़े पोटैटो खाएं रोजाना तो उसमें आपको इतना बीटा कैरोटीन B2 मिलता है जितना आपको सिर्फ 6 ग्राम ऑफ स्पारुलिना में। इसी कंपैरेटिव डेटा को अगर आगे बढ़ाएं तो B3 नर्वसनेस और डर्मेटाइटिस उसकी कमी कॉज कर देती है, B6 हार्ट डिजीज, नर्वसनेस, स्किन एलर्जीज की जिम्मेदारी B6 के ऊपर, B12 के ऊपर परनिशियस एनीमिया, खून की एक कमी का एक बीमारी जो खून बनने नहीं देती, यानी B12 की कमी की वजह से भी खून नहीं बनता, थकान, उम्र के तकाजे और हमारी रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स, ये B12 डिफिशेंसी से होते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी देर 6 ग्राम ऑफ स्पारुलिना की लेने की फायदों को देखें तो इन तमाम बीमारियों से बचत, और अगर इन बीमारियों में मुबतला हैं तो जल्दी रिपेयर पॉसिबल है। साथ साथ एक और मजबूत एविडेंस कि स्पारुलिना एल्कलाइन फूड है। एल्कलाइन फूड यानी एसिडिक कंटेंट ऑफ बॉडी को एल्कलाइन कन्वर्ट करने में
मदद देता है, दूसरे खुद चूंकि अल्कलाइन है तो वो आपको बीमारियों से 150 बीमारियों से बचाने की सलाहियत रखता है। एसिडिक फूड कौन कौन से होते हैं? गोश्त, मछली, झींगे, मुर्गी, आटा, आटे से बनाई हुई तमाम चीज़ें। और अल्कलाइन फूड है दूध, सब्जियां, अंडे की सफेदी, फ्रूट्स और सीवीड्स। और ये स्पाइरुलिना में एवरीडेज मील के प्रॉपर्टीज 80% अल्कलाइन कंटेंट होना, ये मैं नहीं कहती बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रैगनर, उनकी स्टडी ने ये साबित किया कि स्पाइरुलिना 80% अल्कलाइन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कौन खा सकता है, कितना खा सकता है और इसमें फ़ायदा क्या है? रिमार्केबल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोटीन डिफिशेंसी को भी ख़त्म करने के लिए और वाइटामिन डिफिशेंसी को, तमाम बीमारियों का जिनका मैंने तस्करा किया। न सिर्फ दूध से बेहतर बल्कि माँ के दूध को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी स्पाइरुलिना ले सकता है। देखा यह गया कि वो माएँ जो दूध पिलाने से कासिर हैं, अगर वो स्पाइरुलिना का ज़्यादा इस्तेमाल रखती हैं तो क्वालिटी ऑफ मिल्क या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में फ़ायदा हुआ। एसेंशियल फैटी एसिड्स का बनना और जिस्म को उसकी डिफेंस देना भी स्पाइरुलिना की प्रॉपर्टीज में से। एक और कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, स्पाइरुलिना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर देना जिस्म से। इसके अंदर बीटा कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल्स और फिनोलिक एसिड्स जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। फाइकोसाइनिन जो बॉडी के हाइड्रोक्सिल रेडिकल ग्रुप को इनहिबिट करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड लिवर और किडनी में पॉसिबल करता है। एक स्टडी के मुताबिक 71% ऑफ एक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज या कैपेसिटी एक एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पाइरुलिना में मौजूद हैं और 54% ऑफ द ग्रुप जिन्होंने नहीं खाया उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शंस उनको नहीं मिला। ये स्टडी हुई ब्राज़ीलियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में और उन्होंने ये बात साबित की कि स्पाइरुलिना के अंदर 71% एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एक और खूबसूरत बात कि ये कैंसर को प्रिवेंट करती है। किस तरह? कि इसका एंटी म्यूटेजेनिक इफेक्ट है, यानी सेल्स को हेल्थ तो देता है, प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल लिविंग सेल्स की प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाते हुए ग्रोथ प्रमोशन करता है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स की म्यूटेशन को रोकता है। कैसे करता है, किस तरह ये रिवर्स मैकेनिज्म है हमें नहीं मालूम, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी कंडीशन जो तंबाकू खाने वालों के अंदरूनी खाल में देखी जाती है मुंह की, जो कि प्री कैंसरस है, उनको जब स्पाइरुलिना दी गई और जब इफेक्ट देखा गया तो 1 ग्राम पर डे के से उसको ट्रीट किया गया, 1 साल के अंदर अंदर वो प्री कैंसरस कंडीशन खत्म हो गई। कैल्शियम स्पाइरुलिन जो स्पाइरुलिना में मिला वो B16 और BL6 मेलेनोमा सेल्स को इनहिबिट करता है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कैंसर सेल की एक लेवल को लिमिट करती है उसको, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर साइज को इसने डिक्रीज किया। हार्ट डैमेज, केमिकल पॉइजनिंग ऑफ द बॉडी, ये साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया कि कोई भी केमिकल पॉइजन अगर बॉडी में जाए तो स्पाइरुलिना उसको डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो आपके अंदर फैट कंटेंट को बढ़ाने में, गजा में जो मकदार शामिल होती है वो इसमें नहीं। स्पाइरुलिना का इफेक्ट ऑन वेसल्स या ब्लड वेसल्स पे, इंक्रीज इन द न्यू वेसल्स एंड रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो डिक्रीज करता है
सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी जो रगें सिकुड़ने की सलाहियत रखती हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन की फराहमी जिस्म को नहीं मिलती है, एंडोथेलियल सेल्स को, वो उस वेजो कंस्ट्रिक्शन को, स्पाइरुलिना कम करता है। क्लिनिकल स्टडीज ने यह भी साबित किया कि जो लोग हाइपरटेंसिव थे, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था या इनका लिपिड ज़्यादा था, उनको लो डेंसिटी प्रोटीन के लेवल को कम करने के लिए स्पाइरुलिना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी और विटामिन कंटेंट के तौर पे भी कार्डियो प्रोटेक्टिव, सेल प्रोटेक्टिव, लिवर प्रोटेक्टिव, लंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स रखता है। अब डाइट की थेरेपी पे स्पाइरुलिना का क्या रोल है कि लिवर डिजीजेस में आप बहुत कम डाइट दे सकते हैं, तो बेसिक ट्रीटमेंट जो लिवर डिजीज का, रेस्ट होता है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट होती है। तो एक ऐसी डाइट दी जाती है जो जल्दी से हजम हो जाए और लिवर को भी रिपेयर कर दे। तो स्पाइरुलिना अबंडेंस ऑफ विटामिंस और अबंडेंस ऑफ प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ साथ लिवर डिजीजेस को भी ख़त्म करती है और रिपेयर करती है लिवर को। डायबिटीज़ में भी यही है कि आपको ग़िज़ा की मकदार को टाइट्रेट करना पड़ता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस को सही रखना पड़ता है। तो अनट्रीटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखा गया कि जो किडनी को डैमेज हो रहा था या नसों में जो डैमेजेस हो रहे थे B1, B6, B12 की डिफिशेंसी से, तो जब डायबिटिक लोगों ने स्पाइरुलिना लेना शुरू की तो उनकी थकन, बेख्वाबी, स्किन, नसें, रगें, सब में इफ़ेक्ट अच्छे आना शुरू हुए। ख़ास तौर पर आँखों में रेटिनोपैथी के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस शुगर में होती हैं वो स्पाइरुलिना लेने से कम नज़र आई। और इन्हीं पेशेंट्स को, चूँकि उनकी ग़िज़ा कम हो जाती है, तो बेस्ट फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी स्पाइरुलिना ने सपोर्ट किया। जहाँ प्रोटीन कंटेंट्स हैं वहाँ क्लिनिकल ट्रायल ने इसके वो एलिमेंट्स भी सामने लेके आए कि जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या एंटीवायरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइरुलिना भी सामने आई। यानी ये देखा गया कि HIV जैसी मूजी बीमारी या एड्स जैसी मूजी बीमारी के वायरस HIV-1 का जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे या कुव्वत मुदाफियत पे या मोनोन्यूक्लियर ब्लड सेल्स के ऊपर या हमारे डिफेंस के ऊपर, उसमें स्पाइरुलिना का बहुत बड़ा रोल है एंटी वायरल कैपेसिटी में। जापान में इस बात को एंटी वायरल कंपाउंड के तौर पे स्पाइरुलिना को शनाख्त किया गया। और न सिर्फ HIV बल्कि हर्पीस, फ्लू और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी जब लोगों ने ज़्यादा मकदार में स्पाइरुलिना लिया तो उन्होंने जल्दी रिकवरी देखी। और सबसे बढ़कर खून की कमी, हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन जिसमें से ज़्यादातर ख़वातीन एनीमिया का शिकार हैं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इल मैनेजमेंट की वजह से, उनमें आयरन डिफिशेंसी मिलती है और ये उस वक्त ख़तरनाक हो जाती है जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज से गुजरती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और पोस्टनेटल पीरियड में आयरन या एनीमिया के साइड इफ़ेक्ट्स, आयरन की कमी के साइड इफ़ेक्ट्स और न्यूट्रिटिव डिफिशेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा हो सकते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक ब्लड की फराहमी उन सेंटर्स में ज़रूरी करार दे दी गई जहाँ पर लोगों में शरह हीमोग्लोबिन की जो मुतनासिब मकदार थी वो नहीं मिली। यानी हर तीसरी या चौथी औरत को ब्लड लगाया जाता जजगी के दौरान, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन बुनियादी तौर पे कम होता और फिर जाहिर है उसकी कॉम्प्लिकेशंस से रोकने के लिए ब्लड देना पड़ता। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन खुद एक बहुत बड़ा मसला है हम सब के लिए। इमीडिएट ज़िंदगी को तो खदशा ख़त्म हो जाता है लेकिन आने वाले दिनों में हेपेटाइटिस, लिवर डैमेज, स्किन प्रॉब्लम्स और क्रॉनिक कंडीशंस का भी पेशकश हो सकता है। तो स्पाइरुलिना के मुस्तकिल इस्तेमाल से हीमोग्लोबिन कंटेंट का एक वाफिर मकदार में रहना अपने लिए भी और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी
माँ की सेहत की जमानत देता है। और सबसे अच्छी बात यह कि प्रेगनेंसी में चूंकि गजा की का हजम होना मुश्किल होता है, तो थोड़ी सी मिकदार में स्पाइरुलिना 4 से 10 गोली स्पाइरुलिना लेने से आपको एक अच्छी मिकदार गजा की और आयरन और वाइटामिन्स की मिल जाती है, जो एक और अंदाजे के मुताबिक B6 और B12 डिफिशेंसी बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट को रोकती है। आज ऑटिज्म और ADHD पर रिसर्च करने वाले ये कहते हैं कि जिन बच्चों को रेट्रोस्पेक्टिवली देखा गया, ऑटिस्टिक बच्चों को या ADHD के मरीज बच्चों को, तो उनमें यह देखा गया कि उनकी माओ में B6, B12 डिफिशेंसी थी, फॉलिक एसिड डिफिशेंसी थी, तो उसको तो रोका जा सकता था। अगर हमने उन माओ को वक्त पर ये तमाम कंटेंट्स दे दिए होते तो आज ऑटिस्टिक बच्चों की तादाद कम होती, जो कि बतदरीज बढ़ती जा रही। बहुत सारे मुल्कों में वैक्सीनेशन पैदाइश पे इतनी ज़्यादा मिकदार में दे दिए जाते हैं कि बच्चे का कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम एक शॉक जैसी कंडीशन में आ जाता है, उससे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखा यह गया कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशंस दी जा रही हैं, जितनी ज़्यादा मेडिकेशंस दी जा रही हैं छोटी उम्र के बच्चों को, उतना ही उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उतना ही उनकी जहनी कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो स्पाइरुलिना बिकम्स एक ऐसी गजा बन के सामने आया कि जो एक्सीलेंट फूड भी है और कमज़ोरी का तोड़ भी है और ऐसी मुझी बीमारियों से बचत भी है जो आने वाले दिनों में माँ बाप के लिए नहीं बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती। कुदरती कमी गोश्त की या प्रोटीन्स की कमी में, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन आज दुनिया के पसमानदा मुल्कों का सबसे बड़ा मसला है। यानी बहुत सारे बच्चे वेस्ट अफ्रीका में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे गजाई ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनमें क्वालिटी ऑफ फूड को तरसते हैं और उसी वजह से न्यूट्रिशन का सही ना होना या कम होना उनकी ग्रोथ को, उनकी मेंटल कैपेसिटी को और उनकी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को खो देता है। इसीलिए WHO और यूनिसेफ ने स्पाइरुलिना को बेस्ट फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन भी करार दिया और इसकी मिसाल आप इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट्स हमारे स्पाइरुलिना के एम्बेसडर्स से ले सकते हैं कि जो अगर किसी को डोनेट करने जाते हैं तो वो स्पाइरुलिना सीरियल डोनेट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो स्पाइरुलिना किस किस के लिए हो गया? स्पाइरुलिना नौजायदा बच्चों से लेके नर्सिंग मदर्स, यंगस्टर्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल की हमें ज़रूरत है, जिनकी ब्रेन डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है और उन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी ज़रूरत है कि जिनके पास ये सोचने का ही वक्त नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत है। तो अगर सुबह के नाश्ते में 4 से 6 गोली स्पाइरुलिना आपके नाश्ते का हिस्सा बन जाती हैं तो आपके अगले 24 घंटों में आपने एक गुड क्वालिटी फूड अपने जिस्म को दे दिया और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक वाफर मकदार दे दी जो आपकी सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपको वाइटलिटी और ताकत और थकन से भी बचाता और अननेसेसरी वेट गेन से भी अगर बचना हो तो स्पाइरुलिना एज ए फूड सप्लीमेंट यूज की जा सकती है। और वो लोग जो खास तौर पर एक्सरसाइज करते हैं या वो लोग जो एथलीट्स हैं या वो लोग जो जिनकी लेबर क्लास से ताल्लुक रखते हैं या फिजिकल फिटनेस उनके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है या वो लोग जो इतना ज़्यादा मिकदार में खाना खा नहीं सकते या उनको मेडिकली प्रोहिबिटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो इतनी मिकदार में बग़ैर नमक और बग़ैर मीठे के खाना अपने अंदर नहीं इश्तहा महसूस करते या भूख की कमी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट है फूड का तो वो स्पाइरुलिना है। यानी स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं या मास्टर हार्मोन्स हैं वो सिर्फ हार्ट और स्किन और सर्कुलेशन और मसल्स को ही नहीं रेगुलेट करते,
वो गुड हेल्थ और परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी को भी इम्प्रूव करते हैं। यानी वर्ल्ड क्लास ओलंपिक एथलीट्स जो चाइना में और ताइवान में और क्यूबा में देखे गए, वो अलावा कॉर्डिसेप्स के स्पाइरुलिना का भी बहुत इस्तेमाल रखते हैं। ख्वातीन में तमाम प्रॉब्लम्स के लिए स्पाइरुलिना बेहतरीन हल है, इसलिए कि जो साइकोलॉजिकली सेटबैक्स होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डे टू डे लाइफ में, उसमें एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सिर्फ गजाई ज़रूरत लाइफस्टाइल चेंज ही उनको इस बीमारियों से बचा सकती है। कम गजा, एक्सरसाइज की कमी और टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आधे से ज़्यादा दुनिया आज बीमार है, तो उनको हम बचा सकते हैं अगर हम उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड दे दें। बहुत सारे क्लिनिक एज ए पेटेंट आप देखिए, हर डॉक्टर जो है बी कॉम्प्लेक्स वाइटमिन्स फूड सप्लीमेंट लिख रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी दवा ने तो उस मर्ज की रीज़न को ख़त्म करना है, लेकिन ग़िज़ा ही है जो जिस्म के सेल्स को सपोर्ट करेगी, और वो सपोर्ट स्पाइरुलिना बहुत यूजफुली प्लान तरीके से करता है। अमेरिका में तो स्पाइरुलिना स्लिमिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, यानी खाना ना खाएं और स्पाइरुलिना की 10-15 गोलियां खा लें तो आपको प्रोटीन तो मिल गया, कार्बोहाइड्रेट कम है तो आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। कहते ये हैं कि स्पाइरुलिना में एक कंटेंट है फिनाइलएलानिन, जो ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि अब भूख नहीं लग रही, यानी एपेटाइट सप्रेसेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो स्किन के लिए एक इसकी खूबसूरती ऑफ, यानी आपकी सेहत के साथ साथ स्किन की खूबसूरती का भी जिम्मा स्पाइरुलिना ने बड़े आराम से लिया। किस तरह कि अगर आप इसे लोकली अप्लाई करते हैं तो रिपेयर ऑफ स्किन सेल्स होती है और स्किन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और इसीलिए जापान में इसको मेकअप के अंदर यूज किया जाता है। तो टेक होम मैसेज ये हुआ कि स्पाइरुलिना बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, बहुत ज्यादा मकदार में इसमें विटामिंस हैं, और हर शख्स आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकता है, और तकरीबन 200 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज उसकी पोटेंशियल बेनिफिट्स को ऑलरेडी शो कर चुकी हैं। अगर आपको अपनी सेहत को मुनासिब अंदाज में अच्छा स्किन टेक्सचर के साथ, वेट कंट्रोल के साथ और नेचुरल गिफ्ट के साथ ऑफ हेल्थ के साथ जिंदा रहना है तो स्पाइरुलिना को अपनी बॉडी में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। यानी अब हमारे यहाँ स्पाइरुलिना लोकली इस्तेमाल हो, खाने के अंदर इस्तेमाल हो, एज ए सीरियल इस्तेमाल हो, एज ए रेसिपी फॉर फूड इस्तेमाल हो, या माइक्रोवेजी में इस्तेमाल हो, ये ग़िज़ाई ज़रूरत का एक हिस्सा बन गया अगर आपको 10-15 मल्टी वाइटमिन गोलियों से निजात लेनी। तो बहनों और भाइयों, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग, पढ़ने वाले और मजदूर, दिमागी काम करने वाले और थकने वाले इंसान, ज़हनी तनाव का शिकार लोग, बीमार लोग जो मुख्तलिफ क्रॉनिक बीमारियों में मुबतला हैं, उनको भी बैकअप सपोर्ट अगर स्पाइरुलिना की हो जाती है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। थैंक्स टू डीएक्सएन के बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइरुलिना इन द वर्ल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डीएक्सएन मलेशिया। थैंक यू।